Good morning, students. I, B.N. Sharma, your English teacher, extend a warm welcome to you in online classes. Today, I am going to teach you the remaining part of the present simple tense. In the previous class, I taught you in how many cases can we use present simple tense. In the previous class, I had made you write 4 rules. Today, the 5th rule. The present simple tense is used in exclamatory sentences beginning with here and there. अगर इसको हम लोग हिंदी में जानना चाहें, तो here and there से आरंभ होने वाले exclamatory sentence में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है. इजी उदाहरण स्वरूप, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, देयर सी गोस. नाउ द 6th रूल, द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स. अगर रनिंग कमेंट्री, खेल संबंधी रनिंग कमेंट्री का व्याख्या करना हो, तो कमेंटेटर्स सामान्यतया प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे हियर कम्स धोनी एंड सेंस डाउन अ ब्यूटीफुल लेग कटर. हियर कम्स धोनी एंड सेंस डाउन अ ब्यूटीफुल लेग कटर. The present simple tense is used in the caption of newspapers to express the past events. समाचार पत्रों में अतीत की घटनाओं को दर्शाने के लिए present simple tense का प्रयोग होता है. जैसे राजधानी एक्सप्रेस डिरेल्स. अब यहाँ ये सेंटेंस हालांकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ हमेशा पास्ट में होगा. राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, न कि उतरती है. वन मैन सस्टेंस लेसन, एक व्यक्ति घायल हुआ. नाउ द 8th रूल, द प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज्ड विथ सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज. कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे ऑलवेज, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. नेवर, दे नेवर वर्क हार्ड. सेल्डम, मिस फॉर्चून कम्स सेल्डम अलोन. टुडे पार्ट इज ओवर. थैंक यू.